गोदी मीडिया के चर्चित एंकर अमीश देवगन प्रधानमंत्री का महिमा मंडन करके एक बार फिर मुसीबत में पड़ गए हैं। एक बिल्डिंग में खड़े होकर मोदी जी का इंतजार करते चंद लोगों की तस्वीर शेयर करते हुए जब एंकर अमीश ने इसे मोदी मैजिक बताया तो लोग उन पर टूट पड़े और एंकर महोदय की चाटुकारिता का चश्मा उतार दिया। लोगों ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से आने वाली लाखों की भीड़ वाली तस्वीरें दिखाकर एंकर के दोहरे मापदंडों को बेनकाब कर दिया। यूजर्स ने भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी ऐसी तस्वीरें शेयर की जिसमें राहुल गांधी के साथ एक जन समुद्र चल रहा है जो एंकर द्वारा साझा की गई पीएम मोदी की तस्वीर पर भारी पड़ रहा है। दरअसल एंकर अमीश देवगन ने कल एक बिल्डिंग की तस्वीर साझा की जिसमें बमुश्किल 10 से 20 लोग अपनी बालकनी में खड़े होकर नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा, इसे जूम करिए, सूरत में लोग प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं, यही है क्या मोदी मैजिक। बात करें बिल्डिंग की तस्वीर की तो इसे जूम करने पर पता चलता है कि महज 10 से 20 लोग ही अपनी बालकनी में खड़े हैं और बिल्डिंग का बाकी हिस्सा पूरी तरह से खाली है। इस तस्वीर में यह कहीं भी स्पष्ट नहीं है कि बालकनी में खड़े लोग पीएम साहब का वेट कर रहे हैं, लेकिन चाटुकारिता के वसीभूत एंकर महोदय इसे मोदी मैजिक बता रहे हैं। ऐसे में लोगों का आक्रोशित होना लाजमी है। सौरभ नाम के यूजर ने एंकर अमीश को फटकार लगाते हुए लाखों की संख्या वाले किसान आंदोलन की याद दिला दी और कहा, प्रधानमंत्री को देखने के लिए खिड़की से 8-10 लोग झांक लें तो मोदी मैजिक हो जाता है और प्रधानमंत्री के खिलाफ लाखों किसान 2 साल तक सड़क पर बैठे रहे तो उसे क्या कहेंगे। इसके साथ ही सुमित नाम के एक अन्य यूजर ने एंकर महोदय को लगाते हुए कहा, गुल्लू आंखों से चड्डी उतार और चड्डी सही जगह पहन, सब कुछ सही दिखाई देगा तुझे। दोस्तों एंकर महोदय बिल्डिंग में खड़े जिन चंद लोगों को मोदी मैजिक बता रहे हैं उस हिसाब से देखा जाए राहुल गांधी मोदी से बड़ा मैजिक हर दिन कर रहे हैं। सुबह शुरू हुई यात्रा लाखों की भीड़ के साथ देर शाम तक चलती है लेकिन इन एंकर महोदय को राहुल में कोई मैजिक नहीं नजर आता। अमीश की बातों से लगता है मैजिक और काले जादू का कॉपीराइट भी सिर्फ प्रधानमंत्री के पास है।